तो ये है आपकी अपडेट एंड फाइनल सिलेबस फ्रॉम ऑफिशियल साइट। ये आपकी फाइनल सिलेबस जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था वो गूगल के आधार पे और कुछ जो सोर्सेज के हिसाब से बनाया था, ये आपकी फाइनल पीडीएफ है सिलेबस पर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। इनमें आपके हर एक टॉपिक कवर है। मैं टॉपिक्स में जाऊँ उससे पहले बता दूँ, ये जो सारे टॉपिक्स है इसको पढ़ना है। जो आपको बुक्स मैंने पहले बताया था वो बुक्स, बेस्ट बुक का वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना, नीचे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ बेस्ट बुक का लिंक्स, जाके देख लेना वीडियो। उस लिंक्स भी है बुक को बाय करने के लिए, बाय कर लेना। साथ में जो हिंदी वर्जन है, जो बहुत सारे लोग बोले कि हमें हिंदी में चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल है, मैंने हिंदी वर्जन भी डाल दिया, जाके देख लेना। साथ में अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, ये कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है आपकी। आपकी अगर डाउट है कि कोई ऑनलाइन क्लास चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हम गाइड करेंगे आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या टाइम टेबल आपका रहेगा, स्मार्टली कैसे स्टडी करके स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज़ हम गाइड करेंगे। अगर आप सोच रहे कोई ऑनलाइन क्लासेस चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर सिर्फ हमारे गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको एग्ज़ाम प्रोसेस थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ ताकि इसमें आप कन्फ्यूजन ना आए। पहले तो चार सेक्शन होगा, साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ऑब्लिक रीजनिंग, ठीक है। इनमें से 25-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आपको मिलेगा, 25 25 25 25 इस 100 मार्क्स आपके हो गया। कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, ना कोई उसमें भी लिखा है नोटिफिकेशन, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपका काम है जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन देगा, फिर भी उसको एक बार पढ़ लेना। अगर उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग लिखा है तो जो चीज़ आपको नहीं पता है उसमें टच नहीं करना। अगर नेगेटिव मार्किंग मतलब नहीं है तो सारे चीज़, अगर 50 आपको आया, 60 आया, बाकी सट्टे मार के आना, क्योंकि हो सकता है आपके सट्टे से 5-10 क्वेश्चन सही हो जाएं। स्टेट वाइज आपकी रिटिन की मार्क्स की कटअप निकलेगा, पहले आपकी फ़िजिकल होगा, इसीलिए फ़िजिकल पहले कर लेना, फिर बाद में आपकी रिटिन होगा, ठीक है। इसके बाद आपको हर एक सेक्शन में आपको पास करने होंगे मिनिमम, ठीक है। आपको ये टोटल जो है 100 मार्क हैं, 100 मार्क में से आपको जो पासिंग मार्क्स है आपका 40% है, 40 मार्क, इनमें 10, इनमें 10, इनमें 10 और इनमें 10, 10 10 10 10 10 में से आपको 10 मार्क्स लाने ही होंगे, 25 में से 10, 25 में से 10, 25 में से 10, 25 में से 10। अगर आप इससे कम लाते हो तो एक सेक्शन में, अगर ये इंग्लिश सेक्शन में फेल हो जाते हो तो बाकी सेक्शन में आप चाहे 40 में से 40 ले आओ, 25 में से 25 ले आओ, आप फेल माना जाओगे। ये बात ध्यान में आपकी होना चाहिए, इसीलिए हम आपको उस मेंटरशिप में हर एक सब्जेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बताए हैं कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए टाइम को, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। साथ में इसमें कंप्यूटर साइंस भी आएगा, वो भी अभी बताऊंगा आपको, उसके लिए भी एक बुक आपको सजेशन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो स्मार्टली पढ़ना कैसे वो हमें मेंटरशिप में आपको ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, आपकी जो टाइमिंग मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा कुछ। तो आपको ना इंडिविजुअली सबको पास करना पड़ेगा, सारे जो सेक्शन है उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, और जो एग्रीगेट कटअप होता है उसको भी क्लियर करना होगा। आपके पास टाइम मानना कम है लेकिन आपको क्लियर तो करना ही पड़ेगा, और कटअप भी थोड़ा अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल लेवल्स में। साइंस सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस सेक्शन में आपके 3 कॉम्पोनेंट्स है, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। बायोलॉजी में ओनली बायोलॉजी के 25, इंग्लिश में ओनली 25 आपकी इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस की आपकी जीके आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, साथ में आपकी जो रीजनिंग इसमें आ जाएगा 25 क्वेश्चन में, ठीक है। तो मोटा मोटी काफ़ी टफ है, ठीक है। पहले शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस में, आपको क्या क्या कवर करना है, कल्चर, रिलीजियन, जियोग्राफी, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, स्पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बर्स और फ्रीडम मोमेंट, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ सिर्फ इसी टॉपिक को चूज करके पढ़ना है, फालतू टॉपिक है नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स में आपको चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, वार्स एंड नेवर्स, करेंट अफेयर्स, डिफेंस के बारे में भी पक्का पढ़ना है, क्वेश्चन पक्का पूछेगा। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडियन हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बार्ड्स, एनिमल्स, सॉन्ग, फ्लैग, मोमेंट्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज, ठीक है। कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, जो पर्सनैलिटीज़ काफ़ी अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज़ उनके बारे में भी पढ़ लेना। उसके बाद आपकी रीजनिंग भी आएगा, रीजनिंग में क्या क्या, स्पेशियल न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सिक्वेंस, स्पेलिंग्स, ऑन स्क्रैम्बलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इतना ही चीज़ें पढ़ना जितना यहाँ पर लिखा है, फालतू चीज़ें पढ़ के टाइम लॉस नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश का भी देख लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में आपका आएगा पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, ठीक है, सॉरी
एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वॉइस, ये चीज़ें पढ़ लेना। चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ठीक है। वर्ब्स टेंस, तब उसके बाद नॉन फिनिटिव एंड पंक्चुएशन, ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपका आ जाइए सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स एंड एक्सप्रेशन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव कंपाउंड प्रीपोजिशन डिटरमाइंस यूज ऑफ ए दो एनी ईटीसी यूज ऑफ प्रोनाउंस, इतने चीज़ें आपको इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश काफ़ी हार्ड नहीं आएगा, इतने टॉपिक्स अगर आप क्लियर कर लोगे तो यहीं पर आपको अच्छा खासा मार्क्स देखने मिल जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं उसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है उसको पढ़ना है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा और जो फीमेल्स की उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आपने क्या करना, ये जो जितने मैं बता रहा हूँ ना, पहले इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने चिपका देना, जो जो बुक्स है जो जो टॉपिक इसमें है उसको टिक करते जाना, ठीक है, और उसको पढ़ते जाना, ठीक है। उसके बाद आपका गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट, उसके बाद पार्टिट्यूशन एंड लैक्टेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिजॉर्डर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रेगुलर ऑफ जीन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन जीनोमो प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंटिंग, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, माइक्रोविज इन ह्यूमन वेलफेयर, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन, ये आपकी हो गया कितना बायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस में क्या क्या चीज़ें आएगा। साइंस में आपका आएगा पहला चीज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडाइनमिक, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्टिक्स आएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स, डिवाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। पांच में मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के पार्ट हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीजेस, ये बायोलॉजी में भी आ जाएगा, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी यही आता है, एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये मिला के आपकी 100 मार्क का आपका हो गया पूरा का पूरा चिट्ठा, ठीक है। और इनमें से आपको 40% क्लियर करने के लिए चाहिए, लेकिन आपको 60% के आसपास आपको रखना पड़ेगा फॉर मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लान, जो हम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में बताएंगे कि शॉर्ट टाइम में कैसे कैसे पढ़ोगे, और ये जो इतनी सिलेबस है इसको कम करके, मिनिमाइज़ करके मैक्सिमम स्कोर कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें हम मेंटर में आपको बताएंगे। तो इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना है, पूरा आपकी चॉइस है, मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूँ, अगर आप खुद करना चाहते हैं, खुद कर पा रहे हैं, आपको पता है, कॉन्फिडेंस है, आप खुद कर लेंगे, तो दैट इज़ द बेस्ट वे, आप खुद करिए, किसी की सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद करिए, खुद करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते, ये कोई गुनाह नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे, हर एक को एक टीचर की ज़रूरत होता है, जैसे मैं था, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ किसी टीचर से पढ़ के फिर सिलेक्शन लेके आया हूँ ना, हर एक को एक मेंटर की ज़रूरत होता है। मेंटर रहने से हमारा जो नेगेटिविटी पॉइंट्स है ना, वो फाइंड आउट करके बता देता है कि तेरे अंदर ये नेगेटिविटी है, इसको ठीक कर ले तो आगे जाएगा, बस वही एक चीज़ होता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे कॉमेंट या फिर टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में मैसेज कर देना। ये आपकी अपडेटेड एंड फाइनल सिलेबस है, इसी के साथ आप 2024-25-26 जब भी तैयारी करेंगे, इसी के साथ आप तैयारी करेंगे। जो बेस्ट बुक्स मैंने आपको बताया था, वो सारे बेस्ट बुक्स खरीद लीजिए और पढ़ाई शुरू करिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा मौका है जहाँ पर आपको मैथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बायोलॉजी स्टूडेंट को अगर मैथ ना पूछे वो बहुत मज़े हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कितनी खुशी होता है जहाँ पर हमें मैथ नहीं पूछा जाता, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला होगा। आपके कोई भी डाउट्स है नीचे कॉमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।